मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की किसानों के लिए बड़ी सौगात, सरकार किसानों की सभी फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदेंगी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप दौर जारी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला। किडनी की बीमारी के चलते मनेन्द्रगढ़ के पूर्व विधायक गुलाब सिंह का निधन, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जताया दुख। और कोरोना को लेकर शिवराज सरकार सख्त, 20 से ज्यादा केस वाले जिलों में लगी पाबंदी, अगले आदेश तक स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमाघर बंद। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। एमपी में असमय बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, इसके चलते एमएसपी पर फसल खरीदी स्थगित कर दी गई थी, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई थी। वहीं असमय चुनाव प्रचार के लिए जाने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने कहा है कि हम 27 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीदी करने जा रहे हैं, इसलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो औने पौने दामों पर फसलों को ना बेचें। वहीं पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपने संकल्प को पूरा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भी स्मार्ट सिटी पार्क में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। आज सबके लिए कल्याणकारी भगवान शिव को समर्पित रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। भगवान शिव सबका कल्याण करें। बारिश के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी बाधित हुई थी, लेकिन अब 27 मार्च से खरीदी प्रारंभ की जा रही। गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, सरसों हो, मैं किसानों को आश्वस्त करता हूं कि वो औने पौने दाम पर फसल ना बेचे। जिन फसलों के उचित रेट और ऊंचे दाम समर्थन मूल्य से लग रहे हैं, उनको वो जरूर बेचे बाजार में, बाकी समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करेगी। आज मेरा असम के चुनाव के लिए दौरा है, मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ, सभा भी करूँगा और पत्रकार मित्रों से बात भी। खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गणेश तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। बताया जा रहा है कि किसानों की मदद के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद आगे आए हैं। निश्चित तौर पर देखिए पल्लवी, जहां एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब असम चुनाव के दौरे पर जा रहे हैं, ऐसे में अभी गर्मी की बात करें तो असमय जो बारिश हुई थी मध्य प्रदेश में, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था, इसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी दौरे पे एक अभी बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जो एमएसपी अभी जो न्यूनतम मूल्य वृद्धि पर जो किसानों की खरीदी की जा रही थी, जो अन्न की खरीदी, अनाज की खरीदी की जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया था, जो अब फिर से एक बार वापस से चालू कर दी गई है। और किसानों को उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि किसानों को किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है और किसी तरह से कहीं भी किसी बिचौले को कम रेट पे देने की जरूरत नहीं है। एक न्यूनतम रेट फिक्स किया गया है, उसके तहत अब 27 मार्च से जो है सरसों और चना की खरीदी करने जा रही है सरकार। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसी तरह से ना तो भ्रमित हो और इस चीज का 27 मार्च से जो न्यूनतम मूल्य वृद्धि खरीदी का जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया है, उसका हर तरह से लाभ भी लिया जाए। जी पल्लवी, बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की पूरी कोशिश है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन अभी हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जो किसान है उनका क्या कुछ कहना है, क्या वाकई में उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जब से ये कृषि कानून लागू हुए हैं या आए हैं उसके बाद से वैसे ही किसान काफी हाईलाइटेड है और सभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो अपनी प्रदेश सरकार से खुश है या नहीं। देखिए पल्लवी, कहीं ना कहीं किसान पूरी तरह से अगर बात करें तो खुश नजर नहीं आ रहे। कई जगह ऐसी भी बातें सामने आई हैं
जहाँ पर उन्होंने किसी को अगर अनाज अपना बेचा है तो कहीं ना कहीं ऐसी भी बातें सामने आई जहाँ पर वो उन्हें जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हालांकि किसान किसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है और जो किसानों को लेकर एक MSP रेट तय किया गया उससे कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि लेकिन एक बार फिर जो अभी असमय बारिश हो गई थी जिसके बाद किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी फसलें फसलें बर्बाद हो गई थी, जिस पर अभी हालांकि मुआवजा भी दिया जा रहा है। साथ ही अब एक बार जो MSP बंद कर दी गई थी एक बार फिर से चालू हुई तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए जरूर ये है कि थोड़ा सा लाभप्रद जरूर साबित हो रहा है, जिसकी वजह से अब किसान एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार ने जो 27 मार्च से न्यूनतम मूल्य वृद्धि पर खरीदी का लागू किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान थोड़ा सा खुश जरूर नजर आ रहे हैं। जी पल्लवी बिल्कुल, और वो लगातार अपना संकल्प भी पूरा कर रहे हैं। CM शिवराज के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ गणेश, आज भी उन्होंने स्मार्ट सिटी पार्क में रुद्राक्ष का पौधा लगाया है, लगातार वो इस तरीके से पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अपना संदेश आम जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये भी साफ कहा है कि उनका लक्ष्य है कि 3 सालों के अंदर हर गरीब का घर जो कच्चा घर है उसके घर पक्का घर होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर घर के बाहर एक नल होगा। साथ ही उन्होंने जल मिशन के तहत हर घर तक जल पहुंचाने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो संकल्प है वो काफी बड़ा है, लगातार वो जनता के बीच इसको जनता को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी कड़ी में लगातार जो है विकास की बातें करते हुए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुनः विकास करने का उन्होंने ठान रखा है, जिससे वो अभी कुछ ना कुछ हासिल भी कर पाए हैं। जी पल्लवी ठीक है, शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि CM शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और उनके द्वारा रोजाना पौधारोपण किया जा रहा है। वहीं किसानों को भी उन्होंने राहत दी है, उन्होंने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों की फसलें खरीदी जाएंगी और किसान बिल्कुल भी परेशान ना हो, सरकार उनकी पूरी फसल खरीदेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 5,64,000 किसानों नो 4,624 करोड़ रुपए की कर्जा राहत दिती गई। 4 वर्या तो किसानों नाल कीते वादे निभा रही कैप्टन दी अगवाई वाली पंजाब सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस विधायक गुलाब सिंह का निधन हो गया है। बता दें कि गुलाब सिंह लंबे वक्त से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे, जिसके चलते उनका बैकुंठपुर स्थित जिला चिकित्सालय में डायलिसिस होता था। किडनी की बीमारी के चलते गुलाब सिंह ने गुरुवार सुबह बैकुंठपुर स्थित जिला अस्पताल में अंतिम सांस ली। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व कांग्रेस विधायक गुलाब सिंह के निधन पर दुख जताया।
सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पूर्व विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवारजनों को इस कठिन समय में ढांढस बंधाया। वहीं असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर सीएए समेत तमाम मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी सीएए के मुद्दे पर तीखे और दोहरे चरित्र के साथ सामने आई है। तीन राज्यों में बीजेपी अलग अलग बयान दे रही है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी के 100+ सीटों के दावे पर भी तंज कसा है। बता दें कि सीएम बघेल ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के जरिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बघेल ने कहा कि बीजेपी अलग अलग राज्यों में सीएए को लेकर अलग अलग सोच जाहिर कर चुकी है। ये अब ये नहीं करते कि हमने 25 लाख लोगों में से इतने लोगों को रोजगार दे दिया इसलिए हमको वोट दीजिए, ये इसलिए वोट नहीं मांगते। हमने किसानों की कितने किसानों की आय दोगुनी कर दी है इसलिए हमको वोट दीजिए। ये इसलिए वोट नहीं मांगते कि हमने 351 रुपया त्याग लगाने को मजदूरों को देने का वादा किया था उसे पूरा कर दिया इसलिए हम वोट दो। ये हमेशा भय और डर और भय दिखाकर वोट मांगना चाहते हैं, लेकिन इस समय इस चुनाव में आसाम की जनता जो पिछले समय जो धोखा हुआ था उसे अच्छी तरह से पहचान चुके हैं और आसाम की जनता आसाम को बचाने के लिए वोट करेगी। असम की जनता केवल वोट ही नहीं देगी बल्कि इस वोट के जरिए सीएए का के खिलाफ अपने संघर्ष पर जीत की मुहर लगाएगी। इस बार असम में कोई पार्टी नहीं बल्कि असम की जनता की जीत होगी। इस बार असम जीतने जा रहा है। असम में बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर है, डरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हों, असम की बेपटरी डबल इंजन के नेता कोई भी असम की जनता के असली सवालों का जवाब देने से बच रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है, असम में चुप रहती है और तमिलनाडु में कुछ और करती है। दरअसल में कोई व्यक्ति एक ही बात को अलग अलग जगहों में अलग अलग बात कहे तो उसे दो गला कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तीन गला है। पहला गला जहाँ पश्चिम बंगाल में टेबल ठोक के कहते हैं कि हम सीए लागू करेंगे, पहले कैबिनेट में इसे लागू करने का फैसला किया है। आसाम में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप हो जाते हैं, दाएं बाएं देखने लगते हैं और घुमा फिरा के बात करते हैं। तीसरा तमिलनाडु है जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेता करते हैं सीए लागू नहीं होगा, गले की फांस बन रही है। एक ही मुद्दे पे तीन तरीके से बात वो कर रहे हैं। ये सीए उनके गले की फांस बनी हुई है जिसमें अलग अलग ढंग से उन्हें तो वोट लेने से मतलब है। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन के खिलाफ अभियान से परेशान तस्कर अब नई तकनीकें निकालकर कारोबार कर रहे हैं। अवैध मादक पदार्थ तस्कर टैंकर के अंदर शराब लोड कर परिवहन कर रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने पीछा किया तो तस्कर टैंकर छोड़कर भाग निकले। फिलहाल पुलिस शराब खाली कर मामले की जाँच कर रही है। ट्रैक्टर नंबर के आधार पर तस्करों की पहचान की जाएगी। हालांकि गोविंदगढ़ पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जो गाड़ी इस टैंकर के साथ थी यानी एक फालो गाड़ी जो अपराधी लोग टैंकर में लगभग 15 बोरी शराब रखी थी जो जिगना होते हुए गोविंदगढ़ आ रही थी। मुखबिर की सूचना लगते ही वो टैंकर जो है छोड़ के ड्राइवर भागा तो पूरा ट्रैक्टर सहित टैंकर जो है पानी में चला गया। इसके बाद हम लोगों ने टैंकर निकलवाए लेकिन इसके साथ ही साथ हमने उस गाड़ी को भी पता करने की कोशिश की जो गाड़ी इस टैंकर के साथ थी यानी एक फालो गाड़ी जो अपराधी लोग यूज करते हैं। एक बलेरो वाहन भी पकड़ा गया है जिसका नंबर है MP17CC8166। ये बलेरो पकड़ी गई है और कुल हमने इसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जो तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम उमा शंकर चतुर्वेदी जो ग्राम चौरा का रहने वाला है, अतुल सनाप सोहनलाल तिवारी जो बनकुइयाँ का रहने वाला है,
और एक कामता पाठक जो सकरवट गांव का रहने वाला है। इसके अलावा जो टैंकर चलाने वाला व्यक्ति है आकाश मिश्रा, वो भी इस मामले में आरोपी है। और इस तरीके से इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले